सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें सात जगह अर्थात सात तिथियां ऐसी हैं जिस दिन पांच दीप का वर्णन किया गया है हमारे संस्कृत। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सात तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये सात तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं सात जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप व्रत के मी के पांच दीप अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक। पर सावन के महीने में अधिक मास के संयोग पर ये होता है, बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है।